Hey, what's up guys, Vakas here, और आज हम बात करेंगे अबाउट ए न्यू ब्रांड जो कि पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले ही लॉन्च हुआ है, जो कि है वीवो के नाम से। वर्ल्ड वाइड घूमने के बाद अब ब्रांड आया है पाकिस्तान में, तो आज हम इसके फर्स्ट मॉडल के मुतालिक बात करेंगे जो कि है वीवो Y53। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले करते हैं वीवो Y53 की अनबॉक्सिंग। यहाँ पर बॉक्स पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो कि है कैमरा, इसकी मेमोरी कितनी है और सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है और कितनी सिम कार्ड डलती हैं। अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो और यहाँ पर मौजूद है वीवो Y53 जो कि है ब्लैक कलर में, बट इट्स नॉट ओरिजिनल ब्लैक, इट्स मैट ब्लैक। और वीवो में इस टाइम दो कलर मौजूद हैं जो कि है मैट ब्लैक और दूसरा है क्राउन गोल्ड। तो सबसे पहले कंपनी जिसने क्राउन गोल्ड कलर मुतारफ़ करवाया वो वीवो ही है। इसके बाद यहाँ पर मौजूद है सिम इजेक्ट टूल जो कि है सिम पिन, और यहाँ पर बेसिकली बहुत खूबसूरत सी पिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी पिन है और सेम एज़ हवावे और सैमसंग। यहाँ पर मौजूद है बुकलेट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन है, और इसी बुकलेट में आपकी वारंटी कार्ड भी है। यहाँ पर मौजूद है 86 पिन USB केबल। और बॉक्स में इसके साथ मौजूद है वीवो चार्जर जो कि है 1 एम्पीयर चार्जर और आपको आउटपुट देता है 5 वोल्ट्स की, बट इट्स नॉट बॉक्स चार्जर जो कि रैपिड आपको चार्जिंग देगा। और इसके साथ है वीवो हैंड फ्री जो कि है एक बेस हैंड फ्री, और वीवो का स्लोगन भी यही है, वीवो कैमरा एंड म्यूजिक फोन। करते हैं कुछ कलर्स के मुतालिक, लेकिन वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि वीवो Y53 में अवेलेबल हैं 2 कलर्स, 1 इज़ मैट ब्लैक एंड 2 इज़ क्राउन गोल्ड। क्राउन गोल्ड जो है वो उसमें थोड़ी सी फिनिश है, लेकिन जो मैट ब्लैक है उसमें फिनिश बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं कुछ स्पेक्स के मतलब। यहाँ पर आपको रियर कैम मिलता है 8 मेगापिक्सल जो कि है 2.0 आटो फोकस LED फ्लैश के साथ। फ्रंट पर आपको कैम मिलता है 5 मेगापिक्सल का, इसके साथ अप्रोक्सीमेटी सेंसर। इसके अलावा सिम जैकर जो हैं वो है ड्यूल सिम नैनो सिम, और एक ही स्लॉट के अंदर आपको ड्यूल सिम और उसके साथ मेमोरी कार्ड अवेलेबल मिलेगा। इसके साथ है USB B-Type स्पीकर हैं इसके साथ, और यहाँ पर है माइक। इसके अलावा कुछ डिटेल स्पेक्स मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की हैं। चलिए बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के मतलब, और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूल मैसेंजर्स जो कि हो सकते हैं व्हाट्सएप, वाइबर, ईमो और वीचैट। ये बेसिकली कोई न्यू फीचर नहीं है, बिकॉज़ ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया था Xiaomi मोबाइल्स ने। Xiaomi में आप ड्यूल मैसेंजर ऑलरेडी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन भी मौजूद हैं जिससे आप ड्यूल मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन Y53 ये फैसिलिटी आपको बिल्ट इन प्रोवाइड कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के मतलब जो कि स्क्रीनशॉट लेना एक न्यू फीचर नहीं है। बहुत सी कंपनीज जो इससे पहले आई हैं, सैमसंग, हवावे और ओप्पो, उसके अंदर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, लेकिन वीवो Y53 में ऐसा न्यू क्या है जो कि इसको सेपरेट करता है बाकी तमाम कंपनी से। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 3-4 तरीक़ों से। नंबर 1 पे यह स्क्रीनशॉट लेने का तरीका ये है कि आप पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एक आपको मिलती है स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी जो कि है शॉर्टकट्स में, और यहाँ पर आप पूरी स्क्रीन के अलावा हाफ स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक स्पेस का स्क्रीनशॉट लेना, तो उस स्पेस को स्पेसिफाई कीजिए, उसके बाद सिर्फ क्लिक करने से आप उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी भी और पैटर्न में या भी किसी शेप में स्क्रीनशॉट लेना, तो यहाँ पर वो शेप्स मेंशन की गई हैं, आप उसे चूज़ करके उस शेप के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्क्रीन शॉट के साथ आपको मिलता है एक और फीचर जिसे हम कहते हैं एस कैप्चर, जो कि एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। जब आप इसको अनेबल करेंगे तो एक रेड डॉट अपेयर होगा जो कि स्क्रीन को कैप्चर करना शुरू कर देगा। इवन आप यहां पर जो भी करेंगे वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ करके इसको रख भी जाएंगे तब भी ये रिकॉर्डिंग जारी रखेगा। इस तरीके से एस कैप्चर जो है वो आप स्पाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं कुछ कैमरे के मतलब, और वीवो Y53 में आपको मिलते हैं 8 और 5 मेगापिक्सल के कैमरास, और यहाँ पर आपको बिल्ट इन फिल्टर्स भी नज़र आएंगे जस्ट लाइक ओप्पो और अदर ब्रांड्स। आपको तस्वीर खींचने से पहले ही आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फ़िल्टर आप चूज़ करेंगे। आप तस्वीर को वहाँ पर देखने के बाद कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर जो है इतना न्यू नहीं है क्योंकि बहुत सारे मोबाइल्स पहले भी ये फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वीवो Y53 में चार चीज़ें न्यू हैं जो इससे पहले किसी भी ब्रांड ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। तो चलिए उन चीज़ों के मतलब बात करते हैं। इनमें है चार चीज़ें जो कि है PPT, प्रोफेशनल कैम्स, स्लो मोशन और टाइमलैप्स। प्रोफेशनल कैमराज के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको प्रोफेशनल कैमराज की तरह लेंसेज शो करवाए गए हैं जस्ट लाइक DSLR कैमराज, लेकिन यहाँ पर आप रीडिंग नोट करने के बाद उसको सेट कर सकते हैं और पिक्स कैप्चर कर सकते हैं। तो इफ़ेक्ट ये होगा कि आप जो भी रीडिंग सेट करेंगे उसके हिसाब से सैचुरेशन, ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस, या फिर तस्वीर को आपने कोल्ड करना है या हॉट ब्लू और येलो जिसे हम कहते हैं, आप यहाँ पर रीडिंग को लेने के बाद उसको सेट कर सकते हैं और प्रोफेशनल कैमराज की तरह पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है स्लो और फास्ट मोशन का। स्लो मोशन जो है वो स्लो के नाम से ही है, जो फास्ट मोशन है वो टाइम लैप के नाम से यहाँ पर मौजूद है, जो कि वीडियो को बनाता है फास्ट और स्लो मोशन में। इसके बाद PPT है जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।